आपने बहुत सारे मेथड होम्योपैथी में सुने होंगे, लेकिन क्या सच में इतने सारे मेथड होते हैं? कभी एलोपैथी में तो इतने सारे मेथड या दूसरे पैथी में तो नहीं सुने गए। इनमें सबसे प्रसिद्ध तो कोलकाता मेथड आखिर क्या है, और इनमें पहला और असली मेथड कौन सा है? आज ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी, ताकि नए होम्योपैथ को कोई गुमराह ना कर सके और पुराने होम्योपैथ इस कटु सत्य को स्वीकार करके फिर से धीरे धीरे शुरुआत कर सकें। आज मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा और पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अगर हम होम्योपैथी के इवोल्यूशन को एक सही सीक्वेंस में समझें तो अपने आप इन सारी बातों का आंसर मिल जाएगा हमें। तो आइए देखते हैं इसे। अब जो आपको बताया जाएगा इसको आखिरी तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही कोलकाता मेथड है और बाकी सारे मेथड की असलियत भी आपके सामने आ जाएगी, और सबसे पहला और असली मेथड कौन सा है ये भी आप समझ जाएंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले एलाइड सब्जेक्ट्स थे जिससे डायग्नोसिस होती थी साइंस एंड सिम्टम्स और इन्वेस्टिगेशन की मदद से। और वो कौन कौन से एलाइड सब्जेक्ट्स हैं? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, FMT, गैनी एंड ऑप्स, सर्जरी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड कम्युनिटी मेडिसिन। और होम्योपैथी की शुरुआत में जो ड्रग प्रूविंग की थी डॉक्टर हनेमैन ने, उसमें उन्होंने उसी एलाइड सब्जेक्ट के नॉलेज को यूज किया था, जिससे कॉमन और अनकॉमन को डिफरेंशिएट किया जाता है। तब जाकर ओरिजिनल मैट्रिया मेडिका की मेन बुक्स लिखी गई, मैट्रिया मेडिका प्यूरा जो दो वॉल्यूम में अवेलेबल है इस समय, और द क्रॉनिक डिजीजेज जो दो वॉल्यूम में अवेलेबल है इस समय। ये दोनों डॉक्टर हनुमान द्वारा ड्रग प्रूविंग करके लिखी गई। उसके बाद हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम्स 10 वॉल्यूम में आई। उसके बाद ड्रग प्रूविंग से निकले साइन और सिम्टम्स को होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए पेशेंट पे अप्लाई किया गया, जिससे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन निकल कर आए। आखिरी में डॉक्टर हनुमान ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में ड्रग प्रूविंग और क्लिनिकल प्रैक्टिस के सारे ऑब्जर्वेशन लिखे। स्वयं उन्होंने कभी कोई रिपर्टरी नहीं लिखी, बल्कि उनके ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के फोर्थ एडिशन लिखने के बाद दूसरे होम्योपैथ्स ने कई सारी रिपर्टरी लिखनी शुरू की, जिसमें से सिर्फ दो रिपर्टरी को ही सही तरीके से बनाया गया था। 18th सेंचुरी में जो बहुत फेमस हुई थी उस समय, जिसका जिक्र डॉक्टर हनुमान ने एफोरिज्म 153 के फुटनोट्स में भी किया हुआ है। फिर लगभग 200 साल के बाद उन दोनों रिपर्टरी के कॉन्सेप्ट को मिलाकर पहली सिंगल रिपर्टरी लिखी गई, वो भी इंडिया में, जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अब इन सारे डिस्कशन का अगर हम कंक्लूजन निकालें और इसको एक सीक्वेंस में देखें, तो सबसे पहले होम्योपैथी मेडिकल फील्ड में क्या था? एलाइड सब्जेक्ट का नॉलेज, जिसके साइन और सिम्टम की हेल्प से, इन्वेस्टिगेशन की हेल्प से हमने डिजीज के डायग्नोसिस का यूज किया। किस चीज में? ड्रग प्रूविंग में। नंबर दो, उससे क्या निकल के आया? मेडिसिन का नॉलेज। फिर ड्रग प्रूविंग के थ्रू हमको इसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करने का नॉलेज मिला, और रिसर्च में इसको यूज करने का नॉलेज मिला, जो नंबर तीन पे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में आया, जिसमें द मोस्ट सुटेबल मेथड बताया गया फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड रिसर्च वर्क इन होम्योपैथी। इन तीन सब्जेक्ट्स के बाद सबसे लास्ट में आया हमारा चौथे नंबर पे रिपर्टरी। रिपर्टरी एक्चुअल में स्टेफनी की तरह ही वर्क करता है होम्योपैथी में, उन साइंस एंड सिम्टम्स के लिए जो याद नहीं रखे जा सकते, क्योंकि बहुत सारे साइन और सिम्टम ड्रग प्रूविंग में निकल के आए हैं। इसीलिए रिपर्टरी हमेशा वॉल्यूमिनस होती है, मोटी होती है। तो हमको जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक या कीनोट्स की हेल्प से हमारे केस सॉल्व नहीं होते, उस कंडीशन में हमको रिपर्टरी यूज करनी पड़ती है। अगर आपका मैट्रिया मेडिका में अच्छा कमांड है, कैरेक्टरिस्टिक कीनोट पे अच्छा कमांड है, रिपर्टरी की ज़रूरत 10-20% केसेज में ही करनी पड़ती है, अगर सही तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि वहाँ पर हमें वही साइन और सिम्टम देखने पड़ते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक जनरली नहीं होते हैं, क्योंकि हम उन सबको याद भी नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रिपर्टरी ही कोई ऐसी हो जो कैरेक्टरिस्टिक और कीनोट्स पे लिखी हुई हो,
तब तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि एक एलेंस कीनोट जो सिर्फ इतनी मोटी होती है उसके सारे कैरेक्टरिस्टिकों की नोट याद रख पाना पॉसिबल नहीं है एक फिजिशियन के लिए, जहां से आपके 95% केसेस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। यही वजह है कि होम्योपैथी के शुरुआत के लगभग 150 सालों में जो होम्योपैथी का सिलेबस था उसमें रिपर्टरी यूज नहीं होती थी, ये सब्जेक्ट ही नहीं था, लेकिन 150 साल के बाद इसको ऐड किया गया, वो भी 4th ईयर में, जो कि हमारे समय में था 4th ईयर में रिपर्टरी सब्जेक्ट, बाकी ईयर में नहीं था। तब तक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, मैट्रियामेडिका और एलाइड सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता था, अच्छे से पढ़ाया जाता था, जिसकी वजह से सक्सेस रेट भी अच्छा था और मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स भी फुल रहती थी, भर जाती थी। लेकिन अब सारी कहानी बदल चुकी है, अब रिपर्टरी ही 1st ईयर से आ गया और सारा फोकस उसके ऊपर है, जिसकी वजह से अब ना तो बाकी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, मैट्रियामेडिका, होम्योपैथी के, उन पे उतना ध्यान दिया जाता है और ना ही अब उतनी सक्सेस रेट मिल रही है, जिसकी वजह से अब कॉलेजेस में सीट्स भी फुल नहीं हो रही है, खाली जा रही हैं सीटें। इसी समस्या के समाधान के लिए ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और एलेन स्किनोट की मास्टर क्लासेस शुरू की जा रही हैं, वो भी बहुत कम फीस में। तो इसमें इनरोल करने के लिए इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करें या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। थैंक यू।